नमस्ते सदा वत्सले, मातृभूमे त्वया हिंदु भूमि सुखम वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे पतत्वेश गायो। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारतवर्ष के स्वतंत्रता के इस पावन दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अपनी मातृभूमि से हमें कितना स्नेह है और उसकी अहमियत हमारे दिल में कितनी है, इसका एहसास हमें अक्सर उससे दूर रहकर ही होता है। तो चलिए, मातृभूमि से दूर रहकर बहुत वर्षों के बाद उससे पुनर्मिलन की इस अनेक भावों से गुजरती नायक की गाथा को उसी के शब्दों में सुनते हैं। कहानी का नाम है यह मेरी मातृभूमि है और कहानीकार हैं हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी। आज पूरे 60 वर्ष के बाद मुझे मातृभूमि, प्यारी मातृभूमि के दर्शन प्राप्त हुए हैं। जिस समय मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ था और भाग्य मुझे पश्चिम की ओर ले चला था, उस समय मैं पूर्ण युवा था। मेरी नसों में नवीन रक्त संचारित हो रहा था, हृदय उमंगों और बड़ी बड़ी आशाओं से भरा हुआ था। मुझे अपने प्यारे भारतवर्ष से किसी अत्याचारी के अत्याचार या न्याय के बलवान हाथों ने नहीं जुदा किया था। अत्याचारी के अत्याचार और कानून की कठोरताएं मुझसे जो चाहे सो करा सकती हैं, मगर मेरी प्यारी मातृभूमि मुझसे नहीं छुड़ा सकती। वे मेरी उच्च अभिलाषाएं और बड़े बड़े ऊंचे विचार ही थे जिन्होंने मुझे देश निकाला दिया था। मैंने अमेरिका जाकर वहां खूब व्यापार किया और व्यापार से धन भी खूब पैदा किया तथा धन से आनंद भी खूब मनमाने लूटे। सौभाग्य से पत्नी भी ऐसी मिली जो सौंदर्य में अपना सानी आप ही थी। उसकी लावण्यता और सुंदरता की ख्याति तमाम अमेरिका में फैली। उसके हृदय में ऐसे विचार की गुंजाइश भी न थी जिसका संबंध मुझसे ना हो। मैं उस पर तन मन से आसक्त था और वह मेरी सर्वस्व थी। मेरे 5 पुत्र थे जो सुंदर, हष्टपुष्ट और ईमानदार थे। उन्होंने व्यापार को और भी चमका दिया था। मेरे भोले भाले नन्हे नन्हे पौत्र गोद में बैठे हुए थे जबकि मैंने प्यारी मातृभूमि के अंतिम दर्शन करने को अपने पैर उठाए। मैंने अनंत धन, प्रियतमा पत्नी, सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, नन्हे नन्हे बच्चे आदि अमूल्य पदार्थ केवल इसलिए परित्याग कर दिया कि मैं प्यारी भारत जननी का अंतिम दर्शन कर लूं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, 10 वर्ष के बाद पूरे 100 वर्ष का हो जाऊंगा। अब मेरे हृदय में केवल एक ही अभिलाषा बाकी है कि मैं अपनी मातृभूमि का रचकण बनूं। यह अभिलाषा कुछ आज ही मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उस समय भी थी जब मेरी प्यारी पत्नी अपनी मधुर बातों और कोमल कटाक्षों से मेरे हृदय को प्रफुल्लित किया करती थी और जबकि मेरे युवा पुत्र प्रातःकाल आकर अपने वृद्ध पिता को सभक्ति प्रणाम करते, उस समय भी मेरे हृदय में एक कांटा सा खटकता रहता था कि मैं अपनी मातृभूमि से अलग हूँ। यह देश मेरा देश नहीं है और मैं इस देश का नहीं हूँ। मेरे पास धन था, पत्नी थी, लड़के थे और जायदाद थी, मगर ना मालूम क्यों मुझे रह रहकर मातृभूमि के टूटे झोपड़े, 4-6 बीघा मौरूनी जमीन
और बालपन के लंगोटिया यारों की याद अक्सर सता जाया करती। प्रायः अपार प्रसन्नता और आनंदोत्सवों के अवसर पर भी यह विचार हृदय में चुटकी लिया करता था कि यदि मैं अपने देश में होता। जिस समय मैं बंबई में जहाज से उतरा, मैंने पहले काले कोट पतलून पहने टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हुए मल्लाह देखे, फिर अंग्रेजी दुकान, ट्राम और मोटर गाड़ियां दिख पड़ी। इसके बाद रबर टायर वाली गाड़ियों की ओर मुंह में चुरट दाबे हुए आदमियों से मुठभेड़ हुई। फिर रेल का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन देखा। बाद में मैं रेल में सवार होकर हरी भरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित अपने गांव को चल दिया। उस समय मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा देश न था। यह वह देश न था जिसके दर्शनों की इच्छा सदा मेरे हृदय में लहराया करती थी। यह तो कोई और देश था, यह अमेरिका या इंग्लैंड था, मगर प्यारा भारत नहीं था। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को पार करती हुई मेरे प्यारे गांव के निकट पहुंची, जो किसी समय में फूल पत्तों और फलों की बहुतायत तथा नदी नालों की अधिकता से स्वर्ग की होड़ कर रहा था। मैं उस गाड़ी से उतरा तो मेरा हृदय बांसों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बालपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मैं इस समय बिल्कुल भूल गया कि मैं 90 वर्ष का बूढ़ा हूं। जो जो मैं गांव के निकट आता था, मेरे पग शीघ्र शीघ्र उठते थे और हृदय में अकथनीय आनंद का स्रोत उमड़ रहा था। प्रत्येक वस्तु पर आंखें फाड़ फाड़ कर दृष्टि डालता। आहा, यह वही नाला है जिसमें हम रोज घोड़े नहलाते थे और स्वयं भी डुबकियां लगाते थे, किंतु अब उसके दोनों ओर कांटेदार तार लगे हुए थे। सामने एक बंगला था जिसमें दो अंग्रेज बंदूकें लिए इधर उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने की सख्त मनाही थी। गांव में गया और निगाहें बालपन के साथियों को खोजने लगी, किंतु शोक, वे सब के सब मृत्यु के ग्रास हो चुके थे। मेरा घर, मेरा टूटा फूटा झोपड़ा जिसकी गोद में मैं बरसों खेला था, जहां बचपन और बेफिक्री के आनंद लूटे थे और जिसका चित्र अभी तक मेरी आंखों में फिर रहा था, वही मेरा प्यारा घर अब मिट्टी का ढेर हो गया था। यह स्थान गैर आबाद न था। सैकड़ों आदमी चलते चलते दृष्टि आते थे, जो अदालत, कचहरी और थाना पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके मुखों से चिंता, निर्जीवता और उदासी प्रदर्शित होती थी और वे अब सांसारिक चिंताओं से व्यथित मालूम होते थे। मेरे साथियों के समान हृष्ट पुष्ट बलवान लाल चेहरे वाले नवयुवक कहीं ना देख पड़ते थे। उस अखाड़े के स्थान पर जिसकी जड़ मेरे हाथों ने डाली थी, अब एक टूटा फूटा स्कूल था। उसमें दुर्बल तथा कांतिहीन रोगियों की सी सूरत वाले बालक फटे कपड़े पहने बैठे ऊंग रहे थे। उनको देखकर सहसा मेरे मुंह से निकल पड़ा कि नहीं नहीं, यह मेरा प्यारा देश नहीं है। यह देश देखने मैं इतनी दूर से नहीं आया हूँ। यह मेरा प्यारा भारतवर्ष नहीं है। बरगद के पेड़ की ओर मैं दौड़ा, जिसकी सुहावनी छाया में मैंने बचपन के आनंद उड़ाए थे, जो हमारे छुटपन का क्रीड़ा स्थल और युवावस्था का सुखप्रद वास स्थान था। आ, इस प्यारे बरगद को देखते ही हृदय पर एक बड़ा आघात पहुंचा और दिल में महान शोक उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ऐसी ऐसी दुखदायक तथा हृदय विदारक स्मृतियां ताजी हो गई कि घंटों पृथ्वी पर बैठे बैठे मैं आंसू बहाता रहा।
हाँ, यही बरगद है जिसकी डालों पर चढ़कर मैं फुनगियों तक पहुंचता था, जिसकी जटाएं हमारा झूला थी और जिसके फल हमें सारे संसार की मिठाइयों से अधिक स्वादिष्ट मालूम होते थे। मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाले लंगोटिया यार, जो कभी रूठते थे कभी मनाते थे, कहाँ गए? हाय, बिना घर बार का मुसाफिर अब क्या अकेला ही हूं? क्या मेरा कोई भी साथी नहीं? इस बरगद के निकट अब थाना था और बरगद के नीचे कोई लाल साफा बांधे बैठा था। उसके आसपास 10-20 लाल पगड़ी वाले करबद्ध खड़े थे। वहां फटे पुराने कपड़े पहने दुर्भिक्ष ग्रस्त पुरुष, जिस पर अभी चाबुकों की बौछार हुई थी, पड़ा सिसक रहा था। मुझे ध्यान आया कि यह मेरा प्यारा देश नहीं है, कोई और देश है। यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर मेरी प्यारी मातृभूमि नहीं है, कदापि नहीं है। इधर से निराश होकर मैं उस चौपाल की ओर चला, जहाँ शाम के वक्त पिताजी गांव के अन्य बुजुर्गों के साथ हुक्का पीते और हंसी कह कहे उड़ाते थे। हम भी उस टाट के बिछौने पर कलाबाजियां खाया करते थे। कभी कभी वहां पंचायतें भी बैठती थी, जिसके सरपंच सदा पिताजी ही हुआ करते थे। इसी चौपाल के पास एक गौशाला थी, जहां गांव भर की गाय रखी जाती थी और बछड़ों के साथ हम यही किलोले किया करते थे। शोक कि अब उस चौपाल का पता तक न था। वहां अब गांव में टीका लगाने की चौकी और डाक खाना था। उस समय इसी चौपाल से लगा एक कोलवाड़ा था, जहां जाड़े के दिनों में ईख पेरी जाती थी और गुड़ की सुगंध से मस्तिष्क पूर्ण हो जाता था। हम और हमारे साथी वहां गडरियों के लिए बैठे रहते और गडरिया करने वाले मजदूरों के हस्त लाघव को देखकर आश्चर्य किया करते थे। वहां हजारों बार मैंने कच्चा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था और वहां आसपास के घरों की स्त्रियां और बालक अपने अपने घड़े लेकर आते थे और उनमें रस भर करके ले जाते थे। शोक है कि वे कोल्हू अब तक ज्यों के त्यों पड़े हैं, किंतु कोलवाड़े की जगह अब एक सन लपेटने वाली मशीन लगी थी और उसके सामने एक तंबोली और सिगरेट वाले की दुकान थी। इन हृदय विदारक दृश्यों को देखकर मैंने दुखित हृदय से एक आदमी से, जो देखने में सभ्य मालूम होता था, पूछा, महाशय, मैं एक परदेसी यात्री हूं, रात भर लेट रहने की मुझे आज्ञा दीजिएगा। इस आदमी ने मुझे सिर से पैर तक गहरी दृष्टि से देखा और कहने लगा कि आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। मैं आगे गया और वहां से भी यही उत्तर मिला, आगे जाओ। पांचवी बार एक सज्जन से स्थान मांगने पर उन्होंने एक मुट्ठी चने मेरे हाथ पर रख दिए। चने मेरे हाथ से छूट पड़े और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। मुंह से सहसा निकल पड़ा कि हाय, यह मेरा देश नहीं है, यह कोई और देश है। यह हमारा अतिथि सत्कारी प्यारा भारत नहीं है, कदापि नहीं। मैंने एक सिगरेट की डिबिया खरीदी और एक सुनसान जगह पर बैठकर सिगरेट पीते हुए पूर्व समय की याद करने लगा कि अचानक मुझे धर्मशाला का स्मरण हो आया, जो मेरे विदेश जाते समय बन रही थी। मैं उस ओर लपका कि रात किसी प्रकार वही काट लूं, मगर शोक, शोक, महान शोक। धर्मशाला ज्यों की त्यों खड़ी थी, किंतु उसमें गरीब यात्रियों के टिकने के लिए स्थान न था। मदिरा, दुराचार और द्यूत ने उसे अपना घर बना रखा था। यह दशा देखकर विवशता मेरे हृदय से एक सर्द आह निकल पड़ी और मैं जोर से चिल्ला उठा कि नहीं, नहीं, नहीं,
और हजार बार नहीं है, यह मेरा प्यारा भारत नहीं है, यह कोई और देश है, यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर भारत कदापि नहीं है। अंधेरी रात थी, गीदड़ और कुत्ते अपने अपने कर्कश स्वर में उच्चारण कर रहे थे। मैं अपना दुखित हृदय लेकर उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? फिर अपने पुत्रों के पास लौट जाऊं और अपना यह शरीर अमेरिका की मिट्टी में मिलाऊं। अब तक मेरी मातृभूमि थी, मैं विदेश में जरूर था, किंतु मुझे अपने प्यारे देश की याद बनी थी। पर अब मैं देश विहीन हूँ, मेरा कोई देश नहीं है। इसी सोच विचार में मैं बहुत देर तक घुटनों पर सर रखे मौन रहा। रात्रि नेत्रों में ही व्यतीत की। घंटे वाले ने 3 बजाए और किसी के गाने का शब्द कानों में आया। हृदय गदगद हो गया कि यह तो देश का ही राग है, यह तो मातृभूमि का ही स्वर है। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और क्या देखता हूँ कि 15-20 वृद्धा स्त्रियाँ सफ़ेद धोतियाँ पहने हाथों में लोटे लिए स्नान को जा रही हैं और गाती जाती हैं, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। मैं इस गीत को सुनकर तन्मय हो ही रहा था कि इतने में मुझे बहुत से आदमियों की बोलचाल सुन पड़ी। उनमें से कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए हुए शिव शिव हर हर गंगे गंगे नारायण नारायण आदि शब्द बोलते हुए चले जाते थे। आनंददायक और प्रभावोत्पादक राग से मेरे हृदय पर जो प्रभाव हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। मैंने अमेरिका की चंचल से चंचल और प्रसन्न से प्रसन्न चित्त वाली लावण्यवती स्त्रियों का आलाप सुना था। सहर्षों बार उनकी जिह्वा से प्रेम और प्यार के शब्द सुने थे, हृदयाकर्षक शब्द वचनों का आनंद उठाया था। मैंने सुरीले पक्षियों का चहचहाना भी सुना था, किंतु जो आनंद जो मजा और जो सुख मुझे इस राग में आया वह मुझे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने खुद गुनगुना कर गाया, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। मेरे हृदय में फिर उत्साह आया कि ये तो मेरे प्यारे देश की ही बातें हैं। आनंदातिरेक से मेरा हृदय आनंदमय हो गया। मैं भी इन आदमियों के साथ हो लिया और 6 मील तक पहाड़ी मार्ग पार करके उसी नदी के किनारे पहुंचा जिसका नाम पतित पावनी है, जिसकी लहरों में डुबकी लगाना और जिसकी गोद में मरना प्रत्येक हिंदू अपना परम सौभाग्य समझता है। पतित पावनी भागीरथी गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील पर बहती थी। किसी समय में घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शनों की लालसा मेरे हृदय में सदा रहती थी। यहाँ मैंने हजारों मनुष्यों को इस ठंडे पानी में डुबकी लगाते हुए देखा। कुछ लोग बालू पर बैठ गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग हवन करने में संलग्न थे, कुछ माथे पर तिलक लगा रहे थे और कुछ लोग सस्वर वेद मंत्र पढ़ रहे थे। मेरा हृदय फिर उत्साहित हुआ और मैं जोर से कह उठा, हाँ हाँ, यही मेरा प्यारा देश है, यही मेरी पवित्र मातृभूमि है, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ भारत है और इसी के दर्शनों की मेरी उत्कट इच्छा थी तथा इसी की पवित्र धूलि के कण बनने की मेरी प्रबल अभिलाषा है। मैं विशेष आनंद में बंद था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतारकर फेंक दिया और गंगा माता की गोद में जा गिरा, जैसे कोई भोला भाला बालक दिन भर निर्दय लोगों के साथ रहने के बाद संध्या को अपनी प्यारी माता की गोद में दौड़कर चला आए और उसकी छाती से चिपट जाए। हाँ, अब मैं अपने देश में हूँ,
यह मेरी प्यारी मातृभूमि है, ये लोग मेरे भाई हैं और गंगा मेरी माता है। मैंने ठीक गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटी बनवा ली है। अब मुझे सिवा राम नाम जपने के और कोई काम नहीं है। मैं नित्य प्रातः सायं गंगा स्नान करता हूँ और मेरी प्रबल इच्छा है कि इसी स्थान पर मेरे प्राण निकलें और मेरी अस्थियाँ गंगा माता की लहरों की भेंट हो। मेरी स्त्री और मेरे पुत्र बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं यह गंगा माता का तट और अपना प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। अपनी मिट्टी गंगा जी को ही सौंपूंगा। अब संसार की कोई आकांक्षा मुझे इस स्थान से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश और यही प्यारी मातृभूमि है। बस मेरी उत्कट इच्छा यही है कि मैं अपनी प्यारी मातृभूमि में ही अपने प्राण विसर्जन करूं। दोस्तों, इमारत का ऊपरी रूप जितना भी बदल जाए, मगर बुनियाद वही रहती है। समय के साथ परिवेश, पहनावा, रहन सहन इत्यादि समयोचित रूप से भले ही बदल जाए, मगर मातृभूमि की महक तो उसके कण कण में बसी होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने वत्सल अंक में अपने पुत्र को समेट ही लेती है। इसी के साथ आज चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनी मातृभूमि का और उनसे जुड़े अपने सभी संगी साथियों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपने विचार एवं सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित एवं प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।